अब भाई साहब जितनी हाइप नथिंग फोन की नहीं थी उससे ज्यादा हाइप इस बार मोटरोला के फोन की है। जहां पर मोटरोला के फोन के लोग नाम नहीं सुनते थे, अभी मोटरोला का फोन चाहिए उन्हें। और ऐसी हाइप क्यों है इसकी? क्योंकि इसमें भाई कर्व पैनल मिलता है 30,000 में, इतनी प्यारी वीगन लेदर वाली बैक मिलती है, इसमें IP68 रेटिंग है, पानी डालो मस्त और नहा भी लो इस फोन को लेकर, और साथ ही वायरलेस चार्जिंग। तो भाई इतनी हाइप तो बनती है इस फोन की। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आपको 30,000 में नथिंग का फोन लेना चाहिए या मोटरोला का फोन लेना चाहिए। तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर देना। तो डिजाइन में तो डेफिनेटली भाई मोटरोला किल कर गया इस बार 30,000 रुपए में, नथिंग से ज्यादा बेहतर डिजाइन लगता है। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट के बाद हमने वीगन लेदर वाला फोन अरेंज किया है। हमारे पास ब्लू कलर वाला था जिसमें प्लास्टिक फील होती थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लेदर वाली फील आती है। इसे लेकर तो मैं मस्त सो भी सकता हूँ। और यहाँ पर डेफिनेटली इसकी इन हैंड फील ज्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज इसमें जो बैक में कर्व दिया है, फ्रंट कर्व मिलता है, इसकी वजह से ग्रिप अच्छी बनती है और नथिंग से ज्यादा खूबसूरत भी लगता है। और दूसरी चीज भाई ज्यादा कंफर्टेबल भी है डे टू डे यूजेज में। बट भाई नथिंग के भी अपने शशके हैं, यहाँ पर इसके भी जलवे हैं, क्योंकि इसमें जो ग्लिफ लाइट दी है इसके भी विभिन्न विभिन्न यूजेज हैं। जैसे कि भाई नोटिफिकेशन में अलग तरीके की लाइट ग्लो करती है, कॉल आई अलग होती है, और जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रेड लाइट भी है, जिसे आप डिसेबल भी कर सकते हो, इनेबल भी कर सकते हो। तो पता लग जाता है, अगर आप खुद को रिकॉर्ड कर रहे हो तो पता लग जाता है कि फोन में रिकॉर्डिंग चल भी रही है, आप ऐसे ही नाचे जा रहे हो। तो इसके भी मस्त मस्त यूज हैं। और वायरलेस चार्जिंग के टाइम भी भाई इसके जो बैक में वाला ग्लिफ लाइट है ना बड़ी सी, ये भी ग्लो करती है। और इसमें 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग है, तो मोटरोला कम थोड़ी है, इसमें भी 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग है, लेकिन मोटरोला को लेकर आप नहा सकते हैं जैसे मैंने बताया, क्योंकि IP68 रेटिंग के साथ आता है। और वहीं पर जो नथिंग है ये हल्की फुल्की छींटों को ही झेल पाएगा, क्योंकि IP53 रेटिंग के साथ आता है। तो इसे लेकर नहाने की कोशिश मत करना, फोन बर्बाद हो जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और एक जगह और मोटरोला बाजी मार जाता है, वो है भाई दोनों की डिस्प्ले में डिफरेंस है। एक तो मोटरोला के पास प्यारा सा कर्व पैनल मिलता है, ऊपर से इसके पास पी ओलेड डिस्प्ले है जो कि कम बैटरी कंज्यूम करती है, और इसके जो बेजल और चिन है ना वो भी कम है इस वजह से। वहीं पर नथिंग के बेजल और चिन भाई काफी मोटे हैं, बट है इवन, और इसके पास नॉर्मल एमोलेड पैनल मिलता है। और दोनों के पास ही फुल HD डिस्प्ले है, HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। दोनों ही डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकती है, और दोनों के पास ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की ताकत दी गई है। लेकिन नथिंग का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, ये मेरे को हल्का से स्लो फील हुआ है मोटरोला कंपैरिजन में। मोटरोला थोड़ा तेजी से फोन अनलॉक कर देता है। और यहाँ पर अगर कंटेंट की बात चली रही है, तो मैंने जितना एक्सपीरियंस करा नॉर्मल कंटेंट वॉच करते हुए, मतलब नॉन HDR कंटेंट वॉच करते हुए, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। बस मोटरोला की डिस्प्ले थोड़ी सी ब्राइट है नॉर्मल कंटेंट देखते, और इसकी सैचुरेशन हल्की सी हाई है। और वहीं पर जब आप HDR कंटेंट लगा दोगे तो यहाँ पर तो मेजर डिफरेंस है। मोटरोला की डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है, लेकिन इसकी डिस्प्ले मेरे को ज्यादा सैचुरेटेड लगी नथिंग कंपैरिजन में। नथिंग में काफी बैलेंस कलर मिलते हैं, कुछ वैसे जैसे कि आईफोन की डिस्प्ले शो करती है ना सैमसंग कंपैरिजन में, वैसे वाले। तो यहाँ पर टोटली आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर जाएगा कि आपको थोड़े से बैलेंस कलर पसंद है या आपको थोड़े सैचुरेटेड कलर पसंद है। बट मैं यहाँ पर एक सलाह देना चाहूंगा कि मोटरोला के फोन की डिस्प्ले अगर आप यूज कर रहे हो तो नेचुरल मोड पे यूज करना, ज्यादा बेहतर कलर मिलेगा। और जैसे कि HDR में डिफरेंस था ना भाई, मोटरोला ज्यादा ब्राइट था, इसी तरीके से आउटडोर विजिबिलिटी में भी है। मोटरोला के पास 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, नथिंग के पास 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। आउटडोर विजिबिलिटी में भाई नथिंग बिल्कुल घटिया है, आपको टॉर्च लेके देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। और कंटेंट देखते हैं, एक चीज का एक्सपीरियंस और मोटरोला के साथ अच्छा, वो है दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स तो हैं, लेकिन मोटरोला के जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं वो ज्यादा लाउड और ज्यादा क्रिस्प हैं। बाकी हैप्टिक्स भाई दोनों के पास अच्छे मिलते हैं, लेकिन मेरे को नथिंग के हैप्टिक्स थोड़े से ज्यादा सॉलिड फील हुए हैं। बाकी इंटीग्रेशन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है हैप्टिक्स में। और 3.5mm जैक के तो दर्शन हमें दोनों फोनों में नहीं हुए, बहुत दर्द है इस चीज का। और दोनों ही कंपनी जिस चीज के लिए फेमस है वो है दोनों का OS भाई। यहाँ पर एक तो इन दोनों के अंदर ना क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, किसी तरीके का कूड़ा कचरा नहीं है फोन के अंदर। और साथ ही भाई दोनों के अंदर जो OS है कंपनी ने अपने अपने नाम से लॉन्च कराया स्टॉक एंड्रॉइड को एक तरीके से। जैसे कि नथिंग के अंदर आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड ही है, लेकिन नथिंग ने यहाँ पर अपना फोन डाला है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाले हैं, जिसकी वजह से इसे नथिंग OS बोला गया है। ऐसी मोटरोला ने करा है, मोटरोला में भी स्टॉक एंड्रॉइड है, लेकिन इसे MyOS बोला है क्योंकि यहाँ पर मोटरोला ने अपने फीचर डाले हैं। बट नथिंग के कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा फीचर है, जैसे कि दो बार ऐसे शेक करते हैं तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है और ऐसे करके ऑफ भी हो जाती है। और इसी तरीके से इसमें स्क्रीनशॉट लेना इजी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे को नथिंग के OS से इसमें ज्यादा बेटर लगती हैं। तो UI में तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन अब दिक्कत आती कहां है? तो भाई यहां पर है दिक्कत वाली चीज अपडेट। नथिंग के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो विद इन मंथ उसको अपडेट देके शॉर्ट आउट कर दिया जाता है। इवन यहां पर जैसे कि इसके अंदर एंड्रॉइड 13 इन्होंने बहुत जल्दी रोल आउट करा था एंड्रॉइड 12 के बाद, और अभी 14 पर भी इनका काम चल रहा है। वहीं पर मोटरोला को पता ही नहीं है कि भाई 14 भी आने वाला है, इन्होंने 13 अब भेजा है अपने पुराने फोनों के अंदर, वो भी इस वजह से क्योंकि इसका जो सक्सेसर है फोन का वो लॉन्च हुआ है। लाइक एज 30 के अंदर इन्होंने अब अपडेट दिया, जब एज 40 आ गया, इसी तरीके से अल्ट्रा के अंदर भी मिलेगी, क्योंकि
क्योंकि अल्ट्रा के अंदर अभी तक अपडेट नहीं मिली है, उसके अंदर भी जब मिलेगी जब उसका सक्सेसर आ जाएगा। तो ये मोटरोला के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपके फोन के अंदर कुछ दिक्कत आती है तो अपडेट के लिए आपको हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे मोटरोला के, जब जाके आपको अपडेट मिलने वाली है, वो भी मिले मिले या ना मिले, क्योंकि चने के झाड़ पर तो इन्हें चढ़ा ही दिया है। अब 30,000 में ये दोनों फोन ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत तगड़ा प्रोसेसर नहीं मिलता, लेकिन आपकी नॉर्मल यूसेज को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। जैसे कि मोटरोला के अंदर 2 साल पुराना प्रोसेसर है, लेकिन नए नाम से इसका नामकरण करके दिया मीडियाटेक वालों ने। इसके अंदर है 8020 प्रोसेसर, जो कि 2 साल पहले 1100 के नाम से लॉन्च हुआ था। और भाई इसके अंदर है स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर। खैर यहाँ पर हमने दोनों को टेस्ट कराना भाई, N22 में तो नथिंग का स्कोर थोड़ा सा बेटर था, बट यहाँ पर देखने वाली बात ये जब हमारे पास मोटरोला का दूसरा फोन था, मतलब दूसरे कलर वाला फोन था जिसमें प्लास्टिक बैक मिलती है, वीगन लेदर नहीं है, उसके स्कोर भाई 7 लाख के पास था और वो हीट भी कम हो रहा था। इसके कंपैरिजन में 1-2 डिग्री कम ही हीट हो रहा था, वैसे ना के बराबर ही दोनों हीट होते हैं, बट मेरे को रीजन ऐसा इस वजह से लगता है कि इससे यहाँ पर परफॉर्मेंस इसलिए कम मिल रही है और हीट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वीगन लेदर है ना, हीट को अंदर ट्रैप करके रख रही है, अच्छे से फैलने नहीं दे रही, जिसकी वजह से इसके अंदर हीट डिसिपेशन थोड़ा कमजोर है उस वाले वेरियंट के कंपेरिजन में। तो ये भी एक डिसएडवांटेज मेरे को लग रही है इस वेरियंट के साथ, और ऐसा मेरा मानना है। बाकी हो सकता है इस फोन के अंदर ही कुछ दिक्कत हो जो मेरे पास है। इसके अलावा भाई हमने जितना दोनों को नॉर्मली यूज करा, दोनों में जो हाई रिफ्रेश रेट मिलता है ना, मोटरोला के अंदर 144Hz का है, मतलब बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ चलने वाला, और नथिंग के पास 120Hz का रिफ्रेश रेट है। जब दोनों को साइड बाय साइड चलाओगे आप कहोगे भाई कहां भाई, दोनों सेम ही तो लग रहे हैं स्मूथ, लेकिन मैं बताऊं डिफरेंस का नोट होता है। जब आप 144Hz को 2-3 दिन चला लोगे, उसके बाद 120Hz पे स्विच करोगे ना, जब आप कहोगे कि हां भाई मोटरोला ने एक्चुअली मक्खन ही दिया है, तो यहां पर 144Hz भाई मैच जीत जाता है 120 के कंपैरिजन में, सीधा सा बताऊं तो। इसके अलावा ऐप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के अंदर सेम है, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है दोनों में, बट यहां पर फर्क आता है रैम टाइप में। इन्होंने मोटरोला ने भाई कॉस्ट कटिंग करी है, DDR4X रैम दी, नथिंग के अंदर DDR5 रैम है। अभी यहां पर रैम मैनेजमेंट दोनों का सिमिलर ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी सिमिलर इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों फोनों के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। जब आप दोनों को पर्सनली यूज करोगे, इनके अंदर ज्यादा सामान डाल लोगे, मतलब मल्टीपल एप्स डाल लोगे, आप ज्यादा मल्टीटास्किंग करोगे, वहां पर मेरे को लगता है कि मोटरोला का फोन थोड़ा सा आपको कमजोर फील होगा। एक तो इसके अंदर 2 साल पुराना प्रोसेसर है, और दूसरा भाई थोड़ी कमजोर रैम है आज के टाइम के हिसाब से, जो कि नई ऐप को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम में, तो इसका रैम मैनेजमेंट आगे जाके बिगड़ सकता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। इसके अलावा भाई अभी के टाइम पे दोनों का रैम मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पर दिक्कत आती है नॉर्मली चलाते हुए ना, थोड़े दोनों में है तो माइनर जिटरिंग ही, लेकिन मोटरोला के अंदर ज्यादा जिटरिंग मिलती है जो एक्सपीरियंस खराब कर देता है। और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और उसे मिनिमाइज करते हो ना, तो क्या मस्त जिटरिंग मिलती है। तो ये सारा एक्सपीरियंस फोन का खराब कर देता है। और वहीं पर नथिंग के पास भी अपने दुख दर्द है, मतलब इसका प्रोसेसर 4K में जब आप वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे हैंडल ही नहीं करता, बहुत ज्यादा जिटरिंग मिलती है। और लगभग मैं इसकी सारी वीडियो के अंदर ये बात कर चुका हूं, तो अगर आप ज्यादा वीडियो 4K में देखते हो ना मेरी तरह, तो आपके लिए ये वाला एक दुख दर्द हो सकता है नथिंग के साथ, वरना मोटरोला तो डे टू डे यूजेज में ऐप वगैरह के अंदर थोड़ी दिक्कत दे रहा है। अब 30,000 के हिसाब से प्रोसेसर तो है ऐसे, लेकिन मुझे पता है BGMI वाले लोंडे तड़प रहे होंगे, बता भाई गेम किसके अंदर अच्छा चलता है। तो देखो सबसे पहले BGMI डाउनलोड कर लिया था हमने इसके अंदर, और दोनों के अंदर सेम सेटिंग्स मिलती है, स्मूथ में आप एक्सट्रीम में प्ले कर सकते हो, उसके ऊपर की जितनी भी सेटिंग्स आप 45 FPS में प्ले कर सकते हो। और स्मूथ एक्सट्रीम के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोनों में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों के अंदर आप मस्त खेल सकते हो, लेकिन मेरे को लगा कि नथिंग के अंदर उस सेटिंग में थोड़ी ज्यादा अच्छी स्मूथनेस मिलती है, लेकिन अगर आप उससे ऊपर वाली सेटिंग्स में खेलते हो तो दोनों ही बेकार हैं, दोनों के अंदर अच्छे से हैंडल नहीं होता, लेकिन मोटरोला कहीं ना कहीं उन सेटिंग्स में थोड़ा बहुत ठीक ठाक हैंडल कर लेता है। बट जिस हिसाब से हमने 60 FPS में दोनों के अंदर गेम प्ले कराया ना, मेरे को नथिंग ज्यादा अच्छा लगा, और हीट तो दोनों ही नहीं होता। बट मोटरोला के पास ना आपको गेम मोड मिलता है, ब्राइटनेस वगैरह को लॉक कर सकते हो, लेकिन मोटरोला के अंदर डिसएडवांटेज भी है, इसमें कर्व पैनल होने की वजह से गेम खेलते हो ना एक्सीडेंटल टच बहुत मिलते हैं, वहीं नथिंग में आपको ब्राइटनेस बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा भाई दोनों के कैमरास पे चलते हैं। मोटरोला ने 32 MP का फ्रंट कैमरा दिया सेल्फी लेने के लिए, तो नथिंग ने दिया 16 MP का। यहाँ पर वीडियो से स्टार्ट करेंगे, पर नथिंग के पास डिसएडवांटेज है कि इसमें आप 1080p 30 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मोटो के अंदर 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। एंड यहाँ पर मोटरोला के पास ना डिटेल्स अच्छी मिल रही हैं, और स्टेबलाइजेशन भी मोटरोला के पास मेरे को बेटर देखने के लिए मिल रही है अभी डिस्प्ले में। बाकी आप बताना आपको किसकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी फ्रंट कैमरे की अच्छी लग रही है। तो वीडियो में तो साफ कह सकता हूँ भाई, चाहे वीडियो हो ऑडियो हो, दोनों में ही भाई मोटरोला ज्यादा बेटर है, स्किन टोन स्टेबलाइजेशन ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली। अब यहाँ पर फोटो भी हमने क्लिक करी, फोटो में मेरे को जितना लगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई मोटरोला कुछ ज्यादा ही वाइट करने पर फोकस करता है, नथिंग वहीं पर थोड़ा सा वार्म टोन रख के ना ज्यादा नेचुरल सी फोटो लेता है जो मेरे को लग रहा है। बाकी यहाँ पर आपकी पर्सनल
डिफरेंस भी होगी कि आपको वार्म टोन पसंद है या कूल टोन पसंद है, वो आप मुझे जरूर बता सकते हैं कमेंट में। तो जो हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिला हमने आपके सामने रख दिया। इसके अलावा भाई दोनों के पास 50-50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, और यहाँ पर जो वीडियो की बात आएगी तो दोनों के अंदर स्टेबिलाईजेशन मेरे को नथिंग ज्यादा अच्छा लगा। मोटोरोला में क्या है ना, हल्की सी जिटरिंग मिलती है अगर आप देख रहे हो, माइनर सी, और मोटोरोला थोड़ा सा वाइट करता है। तो नथिंग के पास आपको एक तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा सॉलिड मिलती है भाई वीडियो के अंदर, भले ही मोटोरोला के पास F1.4 फोकस अपर्चर है, नथिंग के पास F1.9 फोकस अपर्चर है उसके बाद भी। और मेरे को ऑल ओवर बैक कैमरा वीडियो में तो भाई नथिंग के स्किन टोन भी ज्यादा अच्छा लगा, तो बैक कैमरा वीडियो के अंदर नथिंग के पूरे पैसे हैं। इसके अलावा भाई फोटोज में हमें सीन देखने के लिए मिला, मोटोरोला क्या है कि अपोजिट लाइट स्काई को ज्यादा ब्लू करने पर फोकस करता है, नथिंग वहीं पर काफी अच्छे से HDR को मैनेज करता है, शैडोज को अच्छे से हाईलाइट करता है, और ये ज्यादातर कंडीशन में स्काई को ज्यादा ब्लू भी नहीं करता मोटोरोला की तरह, ये मेरे को लगा। इसके अलावा मोटोरोला में जहां पर थोड़ा सा डल पार्ट आता है ना, मोटोरोला थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हाई कर देता है वहां पर, इतना मेरे को देखने के लिए मिला नॉर्मल फोटोज में। बाकी पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा सा सीन अपोजिट हो जाता है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर मेरे को मोटोरोला की फोटोज ज्यादा अच्छी लगी है। अभी मेरे को एक ट्वीट आया था कि भाई पोको का फोकस अपर्चर मोटोरोला कंपैरिजन में कमजोर है, उसके बाद भी आपने लो लाइटिंग पोको की ज्यादा बेहतर क्यों बता दी। भाई मोटोरोला के पास F1.4 का फोकस अपर्चर है, डेफिनेटली यहां पर नथिंग से भी ज्यादा ब्राइट फोटो क्लिक करके दे रहा है, लेकिन लो लाइट के अंदर सिर्फ ब्राइट फोटो क्लिक करने से ही मैं बेहतर नहीं बता सकता किसी को। अगर आप कलर्स देखो, डिटेल्स देखो तो नथिंग के पास ज्यादा अच्छी है, और यहां पर मैं नथिंग की फोटो को भी थोड़ा सा एक्सपोजर अप करके भाई ज्यादा ब्राइट कर सकता हूं। तो मोटोरोला सिर्फ ब्राइट करने पर फोकस करता है। इसके अलावा नाइट मोड मेरे को अभी भी नथिंग का यहां पर भी ज्यादा अच्छा लगा है मोटोरोला कंपैरिजन में। और यहां पर जो मोटोरोला के अंदर F1.4 का फोकस अपर्चर है ना, इसका फायदा है डेलाइट कंडीशन में डेप्थ बहुत अच्छी लेता है फोटो के अंदर। इसके बाद अल्ट्रा वाइड, भाई मोटोरोला के पास 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, नथिंग के पास है 50 मेगापिक्सल का, और नथिंग का 50 मेगापिक्सल का फायदा यहां मिलता भी है देखने के लिए, ज्यादा अच्छा डायनेमिक रेंज है, ज्यादा अच्छी डिटेल्स मिलती है, और कलर्स भी नथिंग के अल्ट्रा वाइड के ज्यादा अच्छे हैं। तो यहां पर भाई कैमरे में मैं ये चीज तो कह सकता हूं कि मैं खुद क्लियर नहीं बता सकता कि किसके कैमरा ज्यादा बेहतर है, जितने भी रिजल्ट्स से हमने आपके सामने रख दिया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं कि किसको बेटर बताऊं, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है। तो आप बताओ मेरे को कि दोनों में से आपको किसके कैमरा ज्यादा अच्छे लगे। इसके अलावा भाई दोनों के पास मिलते हैं निप्पो के सेल, यहां पर किसी में भी 5000mAh का बैटरी नहीं है, नथिंग के पास है 4500mAh की बैटरी, तो भाई मोटोरोला के पास 4400mAh की बैटरी, और यहां पर चार्जिंग स्पीड में तो डेफिनेटली मोटोरोला एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि 68W की फास्ट चार्जिंग मिलती है इसके पास, और नथिंग के पास सिर्फ 33W की फास्ट चार्जिंग, और दुख वाली बात है बॉक्स के अंदर चार्जर भी नहीं मिलता, और मोटोरोला ने 68W का बॉक्स के अंदर चार्जर दिया है, और चार्जिंग स्पीड भी इसकी तेज है। एंड यही नहीं दोस्तों, 100mAh की बैटरी का डिफरेंस है, उसके बाद भी मोटोरोला का जो बैटरी बैकअप है मेरे को ज्यादा सॉलिड लगा है। यहां पर करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको ज्यादा मिलेगा मोटोरोला के पास, भले इसके पास 144Hz का रिफ्रेश रेट है उसके बाद भी। तो ऑल ओवर ओपिनियन टाइम हमने आपके सामने सारे पॉइंट रख दिए दोनों फोनों के, और मैक्सिमम पॉइंट्स में मोटोरोला बेटर निकल कर आया है। बट यहां पर एक चीज है मोटोरोला के पास जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं इसे लेने में, वो है इसकी अपडेट की फ्रीक्वेंसी। अपडेट इनकी बहुत ज्यादा बेकार है, अगर आपके फोन के अंदर कुछ इशू आ जाता है तो आपको लंबे टाइम तक वेट करना होगा, नथिंग में वहीं पर अगर कुछ इशू आता है तो विद इन मंथ के अंदर उसे शॉर्ट आउट कर दिया जाता है, और नथिंग की भाई अपडेट बहुत ज्यादा सॉलिड है मोटोरोला कंपैरिजन में। तो बस यही एक पॉइंट है जिसमें मेरे को लगता है मोटोरोला अभी वीक है नथिंग कंपैरिजन में, वो भी बहुत ज्यादा, और ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि मोटोरोला बैक टू बैक फोन लॉन्च कर रहा है, किसी एक फोन पर इनका ध्यान है नहीं, एक फोन लॉन्च करा दूसरे में लग गए। बाकी आप बताना आपको इस चीज से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, और मेरे को ये जरूर बताना आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना भाई, 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में आएगा वो करें। टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट एचएफबी इन बॉक्स गाइस।